बीती रात एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रवीना टंडन जो है वो कई लोगों से लड़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रवीना टंडन के ड्राइवर ने यहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ सभी लोग जो है वो रवीना टंडन पर चढ़ रहे थे। रवीना टंडन को यहाँ पर दारू के नशे में बताया गया और बताया गया कि वो हाथापाई भी कर रही थी। वह एक वीडियो सामने आया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके अंदर ये साफ दिख रहा है कि रवीना टंडन की गाड़ी किसी से भी किसी भी वक्त कैसे भी नहीं टकराई। आप अपनी स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। इसके अंदर गाड़ी आती है और यहाँ पर तीन लेडीज लोग खड़े रहते हैं और तभी गाड़ी मुड़ रही होती है। मुड़ते समय एक लेडी सामने आ जाती है, हालांकि ड्राइवर काफी बीच बचाव इंडिकेटर देकर गाड़ी को मोड़ रहा होता है और इसके बाद गाड़ी किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से कहीं से भी उन्हें टच नहीं होती है और ये लेडी खुद ही गाड़ी के पास आती है और कुछ कहने लग जाती है। हालांकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ड्राइवर काफी केयरफुल होकर बैक लेता हुआ नजर आया गाड़ी को, लेकिन थोड़ी देर बाद रवीना टंडन और साथ ही साथ काफी लोगों पर गुस्सा होते हुए नजर आते हैं ये सभी लोग जो यहाँ मौजूद होते हैं। बहरहाल ये वीडियो अब जम के वायरल हो रहा है, देखना होगा कि रवीना टंडन इसके बारे में क्या कहती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रवीना को यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि वो अल्कोहल के यहाँ पर इन्फ्लुएंस में थी। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।